यूनियन सचिव भवानी सिंह देता ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में स्मार्ट सिटी के काम को लेकर गति देने पर चर्चा की गई। तो वहीं स्मार्ट सड़क सहित विभिन्न कामों को स्मार्ट सिटी योजना से बाहर निकाला गया। वहीं विभिन्न नए कार्य को भी स्मार्ट सिटी योजना में जोड़ते हुए कंसल्टेंट कंपनी कौन कार्य को लेकर जल्द से जल्द फाइनल रिपोर्ट बनाकर पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मीडिया द्वारा संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की हालत दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और उन्होंने इसे स्मार्ट सिटी योजना के तहत लेकर ड्रेनेज सिस्टम को सही करने और जो डिपार्टमेंट पानी की चपेट में आए हैं उन्हें ऊपर उठाने की योजना बनाई जा रही है। इसका काम जल्द ही धरातल पर दिखाई देगा। इसके अलावा विभिन्न खेलकूद स्टेडियम व गार्डन को भी स्मार्ट सिटी योजना में जोड़ा गया है, जिससे कि लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। स्मार्ट सिटी योजना से इसके लिए हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली सर्वे किया अस्पताल की पूरी जगह का, और इसमें कुछ मेजर जो हमें काम लगा जैसे कि सीवेज ड्रेनेज और जो फ्लोर एरिया है उसको लिफ्ट करने का, क्योंकि अभी पानी बहुत आराम से वो जो आपका लैब है वहाँ पे चला जाता है, जिस दिन मैं गई थी मैंने देखा था, तो उसको ऊपर लाने का वो कार्य, सीवेज का ड्रेनेज का कार्य, अस्पताल में जो इतनी भीड़ है और थोड़ा अनप्लान्ड सा कंस्ट्रक्शन है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए हमने एक नए मेडिसिन ब्लॉक की बात रखी है बोर्ड के सामने, तो जब मिनट्स आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। साथ ही पार्किंग बनाने की बात भी उसके अंदर हमने डाला है, और ओवरऑल हॉस्पिटल में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, वो एक बार फाइनलाइज हो जाए तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे। मेजरली इट इज़ अबाउट ड्रेनेज एरिया को थोड़ा ऊंचा करना ताकि पानी ना जाए, मॉर्चुरी का जो पूरा एरिया है, अनयूज्ड क्वार्टर्स हैं, डिलेपिडेटेड क्वार्टर्स हैं जिन पे कोई रह नहीं रहा है, बहुत दिनों से अनयूज्ड पड़े हैं, उनको तोड़ के उनकी जगह नए आवास बनाना टीच प्रोफेसर्स प्लस बच्चों के लिए पीजी एंड यूजी। और जो थर्ड मेजर इंटरवेंशन होगा वो होगा एक नई बिल्डिंग बनाना जी प्लस थ्री की टू डी कंजेस्ट अच्छे से हुई है, जो पहले पिछले महीने डेढ़ महीने से होमवर्क किया उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास रहेगा। अक्टूबर में टेंडर्स वगैरह डीपीआर बन जाए, टेंडर फ्लोट हो जाए और दिसंबर तक अमूमन सारे काम चालू हो जाए। टोटल 22-23 एजेंडे थे और सब में चाहे पार्किंग का हो चाहे स्टेडियम्स का हो, वो एग्री हुआ है जो पहले महीने भर में काम किया, उसके साथ साथ कुछ जो ब्रह्मपुरी नाले का भी एग्री किए हैं, बोर्ड ने एग्री किया है, उसके अलावा जो हॉस्पिटल में भी जो कुछ होमवर्क वगैरह किए अर्तिका मैडम ने, एसडीओ मैडम, उस पर पूर्णतः हम लोग सहमत हुए हैं। उसके साथ साथ जो प्रोग्रेस वगैरह रिव्यू की है और कैसे इसको गति दी जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में भी बात हुई है, तो पूर्णतया पार्किंग्स के में एसपी साहब और एसडीओ मैडम और ये सब पूरा करके 125 करोड़ रुपए पार्किंग के हम लोगों ने रखे हैं, अलग अलग जगह पे लैंड अवेलेबल हो और जो ऑलरेडी पहले काफ़ी काम हो उसको कंसोलिडेट करने के लिए प्रयास रहे। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट है ना, वो तो ऐसा ही है ना भाई, जब 2014-15 में हुआ तो कुछ एबीडी एरिया रहे, कुछ बाहर रहेगा, बाहर के एरिए में हम लोग सरकार ने निर्देश दिए हैं जो जन उपयोगिता के कार्य है उनको गाइडलाइंस के मुताबिक लो, तो उसमें मैं जैसे पेयजल ये अपने सीवरेज का हो गया, उसके साथ साथ रोड्स का है, जैसे रोड्स का ब्यूटिफिकेशन किया हमने, जो जब अजमेर की एंट्री रोड है उसके अलावा पुष्कर घाटी रोड उसको भी लिया है, उसके अलावा कुछ जगह कंजेशन कम हो, ट्रैफिक सुधार हो उसकी भी बात हुई है, 2-3 जो नागफनी की रोड में भी इनको कहा है होमवर्क करने के लिए। अब एबीडी और नॉन एबीडी किसी के एरिया में रहेगा कि वो तो पहले हो गया ना 2014-15 उसको आज अस्पताल की करेंगे कोशिश यार, पानी कई इलाकों में भरा हुआ है उसका करेंगे, अस्पताल के प्रोजेक्ट लिए हैं, उसमें सीवरेज का भी लिया पूरा।